हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक बाय कोमल। आज हम बनाने जा रहे हैं मार्बल केक। ये मार्बल केक जितना दिखने में सुंदर होता है उतना ही खाने में यम्मी। इसका केक स्पंज हम बहुत ही अच्छी रिचनेस के साथ, मिल्क मेड के रिचनेस के साथ बनाने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए, केक स्पंज बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को अलग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम मैदा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 टेबल स्पून में ले रही हूँ बेकिंग सोडा। इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को स्ट्रेन कर लूँगी मैं। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स स्ट्रेन कर लिए हैं। अब हम बैटर बनाते हैं केक का। यहाँ पर बाउल में ले रही हूँ सबसे पहले मैं 70 ml ऑयल, 2 स्पून ऑफ बटर, ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ बटर है। ऑयल और बटर को मिक्स कर दिया है। अब मैं ले रही हूँ 80 ग्राम्स ऑफ बेक पाउडर शुगर। सिंपली शुगर को ग्राइंडर जार में पीस दिया था। 80 ग्राम्स पाउडर शुगर लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क मेड। ये मिल्क मेड का कप मेजरिंग जो है वो जितना हमने मैदा लिया था उसका जस्ट हाफ हमें लेना है, मीन्स 100 ml तक आपको मिल्क मेड लेना है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इस तरीके का थिक कंसिस्टेंसी हो जाएगा सबको मिक्स करने के बाद। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और मिक्स करते जाएंगे। साथ में जितनी नीड होगी उतना दूध लेते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला बैटर रेडी करना है हमें केक के लिए। तो ये ठीक हो गया। अब इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा दूध और इसे मिक्स कर लेंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालना है एंड अगेन थोड़ा मिल्क डालना है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। अब ये जो मेरे पास लास्ट पोर्शन पड़ा है ड्राई इंग्रेडिएंट्स का, वो भी डाल के मैं इसे मिक्स कर लूँगी। बैटर जो है वो ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए। ये अभी थोड़ा थिक हो चुका है तो इसमें मैं थोड़ा दूध डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं विस्क को एक ही जगह घुमा रही हूँ। इसे आपको कंटिन्यू एक ही साइड पे घुमाना है केक बैटर बनाने के लिए। और ये देखिए हमारा बैटर एकदम रेडी है। अगर आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका केक भी बहुत स्पॉन्जी बनेगा। अब लास्ट में मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ वनीला एसेंस 8 to 10 drops और 1 tablespoon और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा केक बैटर रेडी है। अब यहाँ पर मैंने केक टिन लिया है, इसे पहले अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें मैदा डस्ट कर लेते हैं चारों तरफ से। आप चाहें तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें हमारा केक का बैटर डालेंगे। केक बैटर टिन में डालने से पहले इसे एक बार और अच्छे से घुमा लेंगे ताकि जो एयर बबल्स हों वो टूट जाएँ। और ये हमने सारा केक बैटर डाल दिया है टिन में। अब इसे माइक्रोवेव में बैक करने से पहले सबसे पहले इसे हम इस तरीके से टैप टैप करेंगे। और माइक्रोवेव मैंने प्री हीट पर रख दिया है तो इसे टैप करने से एयर बबल्स टूट जाते हैं जो भी थोड़े बहुत बचे होते हैं। ये इस तरीके से टैप करना बहुत ज़रूरी है। अब इसे मैं कन्वेक्शन पर 180 degrees पर बेक करूँगी 25 minutes के लिए। ये देखिए हमारा केक रेडी हो चुका है 25 minutes में। और ये देखिए साइड में टूथपिक डालने से भी कुछ नहीं आया बाहर, मीन्स ये पूरा रेडी है, ठंडा भी हो चुका है अब हमारा केक। अब इसकी हम आइसिंग कर लेते हैं। तो पहले इसे साइड से नाइफ से इसे थोड़ा सा इसकी साइड्स को इस तरीके से कर लेंगे। और हम ये देखिए टिन कितना इजीली बाहर आ गया केक टिन से बिना बटर पेपर के भी। ये देखिए कितना स्पॉन्जी केक बना है। मैं इस तरीके से दबा रही हूँ, ये फिर से उठ कर आ रहा है। आप अगर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका केक भी इतना ही स्पंजी बनेगा। अब मैं इसे आइसिंग के लिए 3 layers में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो 2 layers में भी कर सकते हैं, टोटली योर चॉइस। ये देखिए कितना जालीदार केक बना है। मिल्क मेड की रिचनेस के साथ बना हुआ केक वैसे भी बहुत यमी लगता है। तो आप अगर मिल्क मेड से केक नहीं बनाते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक बार मिल्क मेड से केक बनाने लगेंगे तो आप फिर मिल्क मेड वाला ही केक बनाएंगे। तो ये इस तरीके से पहले थोड़ा सा मैंने नीचे क्रीम लगा दिया ताकि केक इजीली बाहर आ जाए।
और ये व्हिप्ड क्रीम इस पर मैं केक स्पंज पर एक लेयर पहले लगा देती हूँ अच्छे से। ये व्हिप्ड क्रीम की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है कि किस तरीके से एक परफेक्ट क्रीम घर पर बनाई जा सकती है, और इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं व्हिप्ड क्रीम की रेसिपी। अब ये क्रीम अच्छे से लग गया, अब इसके ऊपर चोको चिप्स लगा देते हैं। ये अच्छे से चोको चिप्स का जो क्रंची फ्लेवर आता है मिट में, वो बहुत अच्छा लगता है। ये दूसरी लेयर लगाकर और इस पर वाटर स्प्रे करेंगे, उसके बाद इस पर क्रीम, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। पहले केक की लेयर पर वाटर स्प्रे करना है, देन व्हिप्ड क्रीम लगानी है, उसके बाद चोको चिप्स लगानी है। ये हमने क्रीम से कवर कर दिया, अब फिर से चोको चिप्स, और ये लास्ट हमारी थर्ड वाली केक की लेयर, इस पर भी वाटर स्प्रे कर देते हैं पहले, ताकि केक में जो एक नमी होती है वो बनी रहे, मॉइस्चर बना रहे हमारे केक में। इसके बाद ये क्रीम से अब पूरे केक को कवर कर लेना है इस तरीके से। अब हम इसकी साइड्स में कवर कर लेते हैं केक की, और पूरे केक को अच्छे से क्रीम से कवर कर लेना है। मिल्कमेड की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, आप जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये क्रीम से पूरा केक कवर कर लिया है, अब इस पेपर की हेल्प से क्रीम को थोड़ा सेट कर लेते हैं। स्केपर और नाइफ की हेल्प से आपको जो कंफर्टेबल लगे, आपको एक क्लीन वाला लुक देना है अपने केक की क्रीम को। ये इस तरीके से ये हमारा क्रीम से रेडी हो चुका है केक। अब हम इस पर कलर्स देते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 100 ml ऑफ फ्रेश क्रीम, और इस फ्रेश क्रीम में हम डालेंगे ये 50 grams ऑफ वाइट चॉकलेट, और इसे गर्म कर देंगे माइक्रोवेव में। आप चाहें तो डबल बॉयलर का यूज़ करके भी गर्म कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी पैन में इसे गर्म कर सकते हैं। चॉकलेट गनाश बना रहे हैं हम, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें चॉकलेट के। ये हमारा वाइट चॉकलेट गनाश रेडी है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ केक जेल, 1 tablespoon मैं यहाँ पर केक जेल ले रही हूँ। इस पर थोड़ा सा पानी डाल देना है हमें, क्योंकि बहुत थिक है, तो इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे हम पानी डालकर। और ये सॉफ्ट हो चुका है, अब इस केक जेल को हमें डालना है वाइट चॉकलेट गनाश में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये प्रिपेयर कर लिया है, नीचे एक प्लेट रख दी, और ऊपर इस तरीके की आप किसी भी जाली रख सकते हैं, माइक्रोवेव की जाली का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और ये जो वाइट चॉकलेट गनाश है, इसमें डाल देते हैं ये केक जेल, और ये केक जेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये वाइट चॉकलेट गनाश थोड़ा सा लुकवॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल लाइट गर्म होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ठंडा होता जाएगा तो ये थोड़ा थिक होता जाएगा, हमें थोड़ा सॉफ्ट एंड लिक्विड कंसिस्टेंसी चाहिए। ये हमारा केक जब तक हमने फ्रिज में रख दिया था, अब ये फ्रिज से बाहर निकाल दिया है, और ये जो हमारा गनाश रेडी है, उसमें हम डालेंगे कलर के ड्रॉप्स। ये कुछ रेड कलर के ड्रॉप्स ले रही हूँ मैं, और कुछ ब्लू कलर की। ये ड्रॉप्स डालने के बाद आपको गनाश को घुमाना नहीं है स्पून की या स्पैचुला की हेल्प से, आपको बस डायरेक्ट ये ड्रॉप्स वाइट चॉकलेट गनाश में डालकर इस तरीके से केक पर डालते जाना है, और केक को घुमाते जाना है। और ये बहुत ही सुंदर सा मार्बल केक बनकर रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अगर आपको कलर कम पसंद है तो आप कम ड्रॉप्स डालिए कलर के। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा केक। ये जो साइड्स बची हुई हैं क्रीम से, ये अभी कवर नहीं हुई है चॉकलेट से, इसे भी हम कवर कर देंगे। जो थोड़ा सा हमारे पास चॉकलेट पड़ा है इसमें, ये हम कवर कर देते हैं केक को, और ये हमारा ब्यूटीफुल सा केक बनकर बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।